अच्छा लेक्चर नंबर 5 है हमारा, और लेक्चर नंबर 5 में मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। कम क्यों भाई, लेक्चर नंबर 5 में बेटा मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का, पॉपुलेशन, नहीं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। और इसमें हम जो है वो द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान में हम कराची का भी पढ़ेंगे, कराची का भी पढ़ेंगे, कराची में कौन कौन पेप्सी पीता वो भी पढ़ेंगे हम, और मरिंडा, सॉरी मरिंडा, ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, और द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान में पहली चीज ये आती है आपके पास कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या भाई, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सबसे पहली चीज आती है आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। कि आपने एक लफ्ज सुना होगा सेंसस, क्या सुना भाई, सेंसस तो सुना नहीं है बेटा आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब तरीन स्कूल से डाल लूंगे आप लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा मर्दमशुमारी, क्या सुना भाई, मर्दमशुमारी को हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसस, क्या कहते हैं भाई, सेंसस। अच्छा भाई माजरत साहब एक मजाक का, अल्लाह ताला आप लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा स्कूल है, ये जिस बच्चे को बैठने का तरीकेकार बोलने का तरीकेकार आता है उसकी मतलब तरबियत बहुत अच्छी है, और इसमें माँ बाप के साथ आपके स्कूल का टीचर्स का भी जो है वो किरदार होगा। अल्लाह ताला आपके माँ बाप को और आपके टीचर्स को आपके जहां पर आप तालीम हासिल कर रहे हैं उसको बेहतरीन मुकाम दे, आमीन। अच्छा भाई मर्दमशुमारी या सेंसस, मर्दमशुमारी का देखें भाई पहले का मतलब क्या होता है वो जरा सुनिएगा। एक इंपॉर्टेंट इसमें से जो है तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने भाई, तीन। अब कौन कौन से, पहली बात तो आती है व्हाट इज मर्दमशुमारी, ठीक है, या व्हाट इज सेंसस। दूसरा आता है आपके पास, दूसरा आता है सुन लिया आप लोग, दूसरा था हमारे पास के अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, ठीक है जी। और नंबर थर्ड आपके पास एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है के व्हाट इज माइग्रेशन, ठीक है जी, व्हाट इज माइग्रेशन। या इसमें एक और इसी चीज से रिलेटेड सवाल और बनता है कि आबादी बढ़ने की वजूहत किसी जगह पर, पहली समझिएगा एक बात मेरी बात जरा और से, कि हमने क्या बोला पहले मर्दमशुमारी क्या होता है और मर्दमशुमारी क्यों होती है, ये दो सवाल आते हैं आपके। मर्दमशुमारी किसे कहते हैं, नंबर दो मर्दमशुमारी क्यों होती है पहली चीज, दूसरी चीज है आपका अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन क्या है, क्या है अर्बन और रूरल, अर्बन का मतलब होता है शहर और रूरल का मतलब होता है गांव। उसके बाद आपका नंबर थर्ड है माइग्रेशन। अच्छा आप इन तमाम चीजों से मैं आप लोगों को पहले एक चीज और बताता चलूं, आप लोगों को नटूरे की स्पेलिंग आती है, नटूरे नहीं आती, हाँ वही नेचर, एक सवाल था व्हाट इज नटूरे, उसने देखो सर फुटूरे, तो हमने आज नई चीज सीख ली नटूरे और फुटूरे। अच्छा भाई आगे चलो आप लोगों के साथ, अब आप देखे ना हर चीज आपकी जिंदगी के लिए एक मायने रखती है। हमारे मर्दमशुमारी पर, मर्दमशुमारी क्या होती है भाई, क्यों होती है मर्दमशुमारी, जो है वो साल में एक बार भी नहीं होती, बल्कि 10 साल में एक बार होती है, कितने साल में 10 साल में आपके पास एक बार होती है मर्दमशुमारी, और मर्दमशुमारी में आपके पास एक चीज शो की जाती है, एक चीज आपके पास शो की जाती है, वो चीज क्या होती है अगर वो गौर से सुनिए आप लोग,
ठीक है जी। नंबर वन क्या कहते हैं, आप लोगों को मर्दन शुमारी आपकी दो वजूहत पर काउंट की जाती है, सुनिया गौर से। एक, मर्दन शुमारी में इंसानों को काउंट किया जाता है, किसको? तो आप लोग अपनी बेटा छोड़ दीजिएगा प्लीज, अजान होने से बात करते हैं। अच्छा भाई, तो मैंने आपसे क्या कहा भाई कि मर्दमशुमारी के बारे में, मैंने कहा आपसे मर्दमशुमारी में इंसानों को काउंट किया जाता है, इसको भाई शायद तुम अपने आप को निकलवा देना। तो भाई इंसानों को काउंट किया जाता है, वो आया आपके घर में, आपके घर में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले पूछा भाई आपके घर में लोग कितने हैं, कितने लोग हैं साथ है? अपने आप को पांच होंगे बेटा, पांच लोग हैं भाई इनके घर में, पांच लोग जब आपके होंगे उसके बाद फिर वास्ते गुजरने पड़े कितने भाई, और दो बंदे बड़े भाई, या 16 साल की उम्र है या 18 साल की उम्र, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, कौन जॉब करता है वो पूछा जाएगा, क्या जॉब करते हैं वो पूछा जाएगा, तमाम चीजें आपसे पूछी जाएगी, आप कहीं से हिजरत करके तो नहीं आए, ये तमाम बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये तमाम बातें आपकी इमरजेंसी वाले में काउंट होती है। सवाल बच्चों को ये होता है कि सर आप कहेंगे हमें ये बता दें मर्दन शुमारी क्यों की जाती है? नहीं, मर्दन शुमारी असल में जो की जाती है वो इसलिए की जाती है कि जिस जगह पर मर्दन शुमारी की जा रही है वहां पर प्लानिंग की जा सके। क्या की जा सके भाई? प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी बहन या भाई की शादी हुई, शादी में 2023 में आपने 400 अफराद का खाना बनवाया था, लेकिन वो अफराद बढ़कर कितने 500 हो गए। आप मुझे कह रहे हैं नेक्स्ट शादी होगी उसमें आपके अम्मी कितना खाना बनवाएंगी? 600 का। क्यों? क्योंकि आपकी अम्मी पिछले सबक ले चुकी। ठीक है जी। इसी तरह मर्दन शुमारी में क्या होता है, लोगों को काउंट किया जाता है, काउंट करने के बाद देखा जाता है कि रोड कितने चौड़े होने चाहिए, अगर लोग इतने तो उनके पास गाड़ियां सवारियां भी होंगी, नंबर वन। नंबर टू, जितने लोग यहाँ मौजूद है आज जो इंशाल्लाह 10 साल होंगे आने वाले, उसमें वो तो लोग जो तकरीबन 15 साल के हैं वो 25 साल के हो चुके होंगे, इनको जॉब की जरूरत भी पड़ेगी। नंबर थर्ड, जो लोग यहाँ पे इस वक्त अभी मौजूद है 15 साल की उम्र में, ये जो हालत में मौजूद है, यहाँ पर लोगों को रोजगार और अच्छा खाने की जरूरत पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कराची में 500 गोलियां आ रही है गंदम की, तो बताए मर्दमशुमारी में पहले ही मर्दमशुमारी में क्या था भाई, यहाँ पर 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोगों के लिए वो यहाँ पे 500 गोलियां डाल रहे थे गंदम की। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताए आने वाले वक्तों में 500 गोलियां डालेंगे, 1000 गोलियां डाल देंगे। क्यों? क्योंकि अब जो तादाद है वो कितनी हो चुकी है, 4 करोड़। तो मर्दमशुमारी करने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है भाई, मर्दमशुमारी करने की सबसे बड़ी वजह होती है कि आप आने वाले वक्तों की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग ही आपको फायदा पहुंचाती है। अब सवाल आपके पास आते हैं मर्दमशुमारी किसे कहते हैं बताएं, या आपका सवाल आता है मर्दमशुमारी किसे कहते हैं,
और मर्दमशुमारी क्यों की जाती है, तो आप उसके आंसर में लिखेंगे मर्दमशुमारी कहते हैं कि किसी रीजन में, किसी इलाके में, किसी कंट्री में लोगों को काउंट करना कि लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं और खवातीन कितनी है, ठीक है जी, और कितने लोग पढ़ने वाले हैं, कितने लोग जो है वो उस वक्त जाहिल है, तमाम बातें लिखी जाती हैं, कितने लोगों को जॉब की जरूरत पड़ेगी, कितने जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए, हर चीज के बारे में जाना जाता है, इसलिए मर्दमशुमारी की जाती है। दूसरा सवाल आपके पास क्या है, हमारे पास इंपोर्टेंट है आपके पाकिस्तान सीरीज पे, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन क्या होती है, देखिए भाई अर्बन पॉपुलेशन क्या होती है, रूरल पॉपुलेशन क्या होती है, आपके पास सवाल आ गया, राइट डाउन द डिफरेंशिएट बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, आप अर्बन पॉपुलेशन में क्या लिखेंगे, अर्बन पॉपुलेशन में लिखेंगे भाई अर्बन पॉपुलेशन में जो लोगों की तादाद होती है वो ज्यादा होती है, नंबर वन, नंबर टू यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा होती है, नंबर थर्ड यहाँ पर आपकी जरूरत की चीज जो है वो आपको मिल जाती है, जबकि गांव देहातों की अगर हम बात करें आबादी क्या होती है कम, जो फैसिलिटीज होती है वो सही टाइम पे सही वक्त पर नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी को एक्सीडेंट हुआ कराची में, वो एक्सीडेंट होने के बाद आपको पता है यहाँ पर हम कहीं भी चले जाए आपको कोई ना कोई गली के कोने पर या किसी इलाके के इख्तिताम पर आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल मिलेगा, हॉस्पिटल मतलब बड़ा हॉस्पिटल मिलेगा आपको जहां पर आपका इलाज हो सके, आप ये देखिए ना आपका गुलशन का इख्तिताम हो रहा है पटेल मौजूद है, यहां से आप गुलशन का इख्तिताम करें आपका आगा खान मौजूद है, आप नीपा की साइड पे निकले तो ये आपका एक और हॉस्पिटल मौजूद है, ठीक है, अगर आप कहीं पे भी मौजूद हो आपको हर गली के कोने पर, हर गली में नहीं इलाके की नहीं, हर गली के कोने पर आपको स्कूल नजर आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल भी यहां पर आपके करीब करीब मौजूद है, हर गली के अंदर आपको एक दुकान नजर आएगी जहां से आप अपनी जो है वो जरूरत की चीज ले सकते हैं, अगर हम गांव देहातों की मिसाल ले लें, आप लोग भी माशाल्लाह से गांव देहातों के ताल्लुक रखने वाले लोग हैं तो आपने देखा कि अगर आपको स्कूल में जाना पड़ेगा आप 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, आप अगर कोई जरूरत की चीज लेने जाए ना तो आपको तकरीबन 100-150 रुपए पेट्रोल जाया करना पड़ेगा अपनी जरूरत की चीज लेने जाने के लिए, ठीक है जी। अब बात क्या है यहां पर के अर्बन में फैसिलिटीज, अब अर्बन में अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा होती है जबकि रूरल में ना तो आपके पास फैसिलिटीज होती है ना अपॉर्चुनिटीज होती है, अर्बन में आपको हर चीज क्या मिलती है फ्रेश, जबकि रूरल में हर चीज फ्रेश आपको हवा के अलावा कुछ नहीं मिलती भाई, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, तमाम बातों का मैं लब्बे लबाव निकालू, तमाम बातों का लब्बे लबाव सिर्फ एक ही चीज है, और वो क्या है अर्बन और रूरल का फर्क क्या है, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, अर्बन में आपको तमाम किस्म की फैसिलिटीज आपके घर के पास मिलती है जबकि रूरल में आपको फैसिलिटीज आपके करीब नहीं होती, इसीलिए लोग रूरल से माइग्रेशन करके कहां आते हैं, आप ये देखें अभी क्या कितना अर्सा हुआ अब्बा को यहां पर आए थे, 40 साल क्यों आए थे पढ़ने आए थे, क्यों पढ़ने आए थे भाई, भाई यहां होते दूसरी भाई भी किसी वजह से होते ना पढ़ने की, क्यों होते थे क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज इस तरह की मौजूद नहीं थी, दूसरी चीज अपॉर्चुनिटी भी थी वहां पर, आप अगर अच्छा पढ़ भी लो वहां पर तो वहां पर जॉब आसानी से मिल सकती है इंसान को, यहां पर तो आप कुछ भी पढ़ो आपको कोई ना कोई अपनी जॉब लग जाएगी भले वो सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, आप खाली हाथ नहीं बैठे हो यहां पर, तो इसीलिए अर्बन और रूरल में यही फर्क है, सबसे पहली चीज अर्बन में आपके पास फैसिलिटीज और नंबर टू होती है अपॉर्चुनिटीज, वो दोनों चीजें आपके पास अर्बन में मौजूद होती है जबकि रूरल में क्या होता है आपके पास दोनों चीजें आपके पास मौजूद नहीं होती, आप अगर यहां पर अगर किसी ने भी पूछे ना जो जिनका ताल्लुक गांव देहातों से हो जिनके अभाव यहां पर हिजरत करके आए हो तो उनकी सबसे बड़ी पता है बातें क्या होंगी मैं आपको बताता हूं, वो कहेंगे भाई कि हम जो ना जॉब के लिए यहां पर आए, दूसरी उनकी वजह आएगी कि हम यहां पर इलाज करवाने आए, तीसरी वजह होगी यहां पर हम सिक्योरिटी के लिए आए, वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, चौथी होगी हम यहां पर तालीम हासिल करने के लिए आए, समझ रहे हो मेरी बात नहीं कही ना चारों, तो इसीलिए यहां पर जो भी लोग माइग्रेशन करके यहां पहुंचते हैं, मैं तीसरे टॉपिक पर आ चुका हूं, आप लोग सेकेंड टॉपिक को मैं तीसरे टॉपिक के साथ कंपेयर करवा दिया है, जो भी लोग माइग्रेशन करके आते हैं ना उनकी माइग्रेशन करने की कोई ना कोई वजूहत होगी, अब फॉर एग्जाम्पल एक शख्स पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है
तो वो खुशी नहीं जा रहा होगा अपना घर छोड़ के या अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। अगर आप उसको उसकी हैंडसम सैलरी दे दो, आप उसके मुताबिक उसको सैलरी दे दो, आप उसको उसका रोजगार दे दो, आप उसको जॉब सिक्योरिटी दे दो, आप उसको फैसिलिटीज दे दो, आप उसके बच्चों को अच्छी तालीम दे दो, वो कभी भी नहीं जाएगा यहां से। लेकिन जब आप उसको तमाम चीजें ना दो, भाई ख्वाब तो हर बंदा देखता है ना, ख्वाब तो हर बंदा देखता है, तो ख्वाब देखने की वजह क्या होती है? क्या होती है कि भाई मैंने जिस तरह जिंदगी गुजारनी कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मेरी तरह जिंदगी ना गुजारे, तो फिर वो क्या करते हैं, जहर का घूट पीना पड़ता उसको, तो फिर वो करता है माइग्रेशन। क्या करता है वो? माइग्रेशन करता है। और माइग्रेशन फिर इतना चीज में सिखाती है, मेरी चीज सुन लीजिएगा, आपके इलाके में आपके मुल्क के अंदर दो वजूहत होती है आबादी बढ़ने की, आपके इलाके में आपके रीजन में आपके मुल्क में दो वजूहत होती है आबादी बढ़ने की। एक तो वजूहत कराती है आपकी नेचुरल और दूसरी कराती है माइग्रेशन। अगर मैं आपको बैक पर लेके जाऊं तो कराची की आबादी जो है पहले इतनी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। आप लोग भी यहां पर चले जो भी है, आप लोग भी रहे हैं यहां पर, आपको गुलशन के रोड में इतना रश नजर आता था आज से 5 साल 6 साल पहले, और आज आप रश देखिए कितना है। आपको हर जॉइंट हर आपको जो है पॉइंट पर आपको अच्छा वाला ट्रैफिक नजर आएगा। क्यों? आबादी बढ़ गई है, ठीक है जी, लोग माइग्रेशन करके यहां पर आ रहे हैं। आपको एक चीज बोल रहा हूं, हम कभी पंजाब जाया करते थे ना, तो पंजाब जाते वक्त इतने ट्रेनें भरी हुई होती जितनी ट्रेनें आज भरी हुई होती है। आज जो ट्रेनों के मसले ना उसकी मसले की वजह यही है। या आप देखिए ना, हर गली के कोने पर आपको कोई ना कोई बस का अड्डा खुला नजर आएगा। आप जरा बैक पर जाए, मैं अगर आपको अपने टाइम में लेके जाऊं, सिराजगढ़ पहले मशहूर था बस अड्डे की वजह से, और आज कितना मशहूर हो गया कि आपको कराची के कोने कोने से गंगा जी ना सिराजगढ़ पहुंचते हैं कहां क्या करने के लिए। माइग्रेशन की दो किस्में होती है, एक कहलाती है परमानेंट या मुस्तकिल, एक कहलाती है टेम्परेरी या अबूरी। परमानेंट इंसान कब करता है माइग्रेशन? जब उसको अच्छी किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी होती है, या कोई ना कोई उसके अंदर मसला होता है, या कोई बीमारी होती है, तो वो क्या करता है, बिल्कुल बोरिया बिस्तर समेटा घर भर बेचा सीधा माइग्रेशन, पढ़ने के लिए और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जॉब के लिए। तो ये कहलाती है परमानेंट माइग्रेशन। एक कहलाती है आपके पास अबूरी, जिसको टेम्परेरी कहते हैं। टेम्परेरी माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? और फिर इसी माइग्रेशन के अंदर दो चीजें और आती है, पुश फैक्टर माइग्रेशन या पुल फैक्टर माइग्रेशन। पुश फैक्टर मतलब ये होता है कि जबरदस्ती किसी को अपने मुल्क से निकालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके इंडिया पाकिस्तान बनने वक्त इंडिया के हिंदुओं ने या इंडिया वालों ने मुसलमानों को पाकिस्तान बनने के बाद जबरदस्ती अपने मुल्क से निकाल दिया था, ठीक है। और पुल फैक्टर क्या होता है? आपको मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, अच्छी जॉब दे रहा हूँ, अच्छा हैंडसम अमाउंट सैलरी दे रहा हूँ, तुम अपना मुल्क छोड़ के मेरे पास आ जाओ, आप क्या करोगे? चले जाएंगे। ये कहलाते पुल फैक्टर, अपने पास बुला रहा है वो आपको, अपने पास वो बुला रहा है। पुल फैक्टर क्या होता है? जबरदस्ती, ठीक है जी। आपके इस चैप्टर के अंदर जो है तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताए। एक कहलाता है मर्दमशुमारी किसे कहते हैं, नंबर टू क्या है आपके पास अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन डिफरेंसेस, और नंबर थर्ड क्या आपके पास माइग्रेशन। अच्छा, उसके बाद एक सवाल और भी बन सकता है सीनियर का, एक सवाल और भी बन सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? फ्लैट में कौन कौन रहता है? फ्लैट में रहती हो तुम भी, रहते हो आपने एक चीज नोट किया होगी, फ्लैट के अंदर आपको गेट, फ्लैट का गेट है वो आपका टाइम पे खुलेगा, ऐसी बंद टाइम पर हो जाएगा। अगर बंद के टाइम पे आप पहुंचे या बंद के बाद पहुंचे वो आपको सभी जल्दी करेगा, ये टाइम आने का आपका, ठीक है। नंबर टू, पानी आपको टाइम पे मिलेगा, गैस की मुस्तकिल शॉर्टेज, पानी की मुस्तकिल शॉर्टेज। क्यों? आपका एरिया बना है इस एरिया पर जिस पर आपका कोचिंग मौजूद है ना, इस पर आपका एरिया बना हुआ है ना, आपका एरिया पे इतने ही एरिया है,
इसमें हद से हद दो फैमिली ले सकती थी या तीन ले सकती थी। आपने तीनों को अलग अलग पोर्शन दे दिए, तीनों भाई इस जगह पे रह रहे हैं, गैस भी मुस्तकिल मिल रही है, पानी भी मुस्तकिल मिल रहा है, बिजली भी मुस्तकिल मिल रही है, हर चीज का अमाउंट नॉर्मल, इस जगह पे आपकी मर्जी चलेगी। आपने क्या करा, इस कोचिंग को टुटवा कर आपने यहां पे बिल्डिंग खड़ी कर ली 10 मंजिला। कितने मंजिला? अब उस 10 मंजिला बिल्डिंग के अंदर 10 फैमिली नहीं होंगी, 20 फैमिली होंगी, ऐसी है। जब 20 फैमिली होंगी तो 20 के 20 चूल्हे भी जलेंगे। और इस कोचिंग में गैस कितने लोगों के लिए आ रही थी? 10 लोगों के लिए। पानी जो था वो यहां पर छोटी लाइन लगी हुई थी, वो भी सिर्फ 10 लोगों के लिए आ रहा था। बिजली का बिल भी 10 लोगों वाला आ रहा था। जब यहां पे इतना कुछ और गया तो इससे क्या होगी? प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान कराची में वही तो प्रॉब्लम हुई कि कराची के अंदर जो प्लानिंग हुई थी वो हुई थी तकरीबन 2.5 करोड़ के लिए। कितने करोड़ के लिए? और इस वक्त तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ लोग कराची में आबाद है। पानी तो शॉर्ट होगा, गैस तो शॉर्ट होगी, बिजली तो आपकी शॉर्ट होगी, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद यहां पर जो हॉस्पिटल बनाए गए थे वो बनाए गए थे सिर्फ यहां के लोगों के लिए, 2.5 करोड़ आबादी वालों के लिए। आबादी बढ़ गई, कॉमन सी बात है, आबादी बढ़ गई है तो हॉस्पिटल भी कम पड़ेंगे, हॉस्पिटल में बेड भी कम पड़ेंगे, ऑपरेशन की डेट भी आपको गवर्नमेंट में 2-2 महीने बाद मिलेगी। मैं भुगत चुका हूं भाई, जरूरत अभी है ऑपरेशन करवाने की, 1 महीने के अंदर अंदर, और मुझे डेट पता कब दी जा रही है? 4 महीने बाद। क्यों सर? आप रजिस्टर तो चेक करें हमारे पास कितने ऑपरेशन है। इसने मेरे सामने रजिस्टर भी रख दिया आगे, इधर आप रजिस्टर तो चेक करें हमारे पास, देखें जरा हमारे पास ऑपरेशन कितने। रोजाना हम 2 ऑपरेट करते हैं। और फिर एक जुमला में डॉक्टर का, सर डॉक्टर सर हम जो है डॉक्टर ने कसाई नहीं है जो गाय गिरा रहे होंगे। डॉक्टर का मुझे जुमला था, उसने कहा सर हम जो है डॉक्टर ने कसाई नहीं है कि एक पे सल्ला फेरा दूसरी गाय पे चलेगा, दूसरे तीसरे पे। बोले सर हम जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं इंसानों को ऑपरेट किया जाता, फिर हमें कुछ बात समझ में आई। और उसकी फिर हमने वजूहात को इसमें शामिल कर दिया कि ये जो बढ़ने की जो आपके प्रॉब्लम बढ़ती है आप लोगों के लिए भी, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन अल्लाह ना करे, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई आप लोग गलत तुला हुए। पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि आप तो मौजूद थे, आप तो मौजूद थे, जो बेचारे दूसरे लोग भी है यहां पे अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज के लिए, वो बेचारे भी ख्वार हो गए। क्योंकि यहां पे प्लानिंग कौन सी हुई है? 2.5 करोड़ लोगों के लिए, और यहां पे लोग कितने बने? 4 करोड़। जब इतने लोग आबाद हैं तो फिर वजूहात को आएंगे ना। तुम्हारी बहन वाला सीन, इनकी इनकी बहन का एक मसला हुआ है, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अब आप ये देखिए माशाल्लाह से कराची में लोग आई है मेडिकल में एडमिशन है, अल्लाह ताला इनकी बहन को डॉक्टर बनाया। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, आप लोग भी आमीन बोल रहे हैं। बुढ़चारी बहुत मेहनत कर रही है लड़की जी से। तो अब उस बिचारी का जो है कोटा ही नहीं है यहाँ पर। अब वो तो बिचारी रूम जाएगी ना, कोटा मतलब होता है उसकी सीट नहीं, सीट का मसला हो रहा है ना। बेहतरीन बच्ची है, ब्रिलियंट बच्ची है, मिलाऊ में उससे काबिल तरीन बच्ची है, लेकिन क्या सीट नहीं है। क्यों नहीं है सीट? बताया ना मैंने आपको, प्लानिंग हुई थी 2.5 करोड़ लोगों के लिए, एमबीबीएस के अंदर लोगों की तादाद थी 50 लाख, देंगे हम सीट वाली एक साल में फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, वो बेचारे उनको वहां नहीं मिली थे, वो यहां पर आ गए कराची में। अब वो यहां से भी गए और वहां से भी गए। अब क्या करना पड़ेगा? जब 2.5 करोड़ लोगों के लिए आपने प्लानिंग की है तो आपको यूनिवर्सिटीज भी मिल देना, वो 4.5 करोड़ लोगों के लिए बनाएंगे। आपने 2.5 करोड़ लोगों के लिए बनाई ना 50 लाख सीट, तो आपको मजीद 50 लाख और एड करनी पड़ेगी, जिसको तमाम लोगों को जो है उनकी सीट मिल जाए। तो समझ में मेरी बात है। अब लोग यहां पे माइग्रेट करके आने वाले, आ जाओ भाई जॉब है यहां पर आ जा। अब वो बेचारा जॉब पे नहीं आया, 1.5-2 महीने उसने बेचारे ने सैलानी पे खड़ा हुआ खाना खाएगा, वो जॉब ही नहीं। तो यहीं तक आज हम रखते हैं इंशाल्लाह।
नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना खुद ख्याल रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए, तो इसको अच्छे तैयारी करें, अल्लाह हाफिज़। चलिए आगे।